चलिए अब हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका जो वर्ड्स प्रॉब्लम है ना, उसमें आपका चौथा नंबर में क्या कह रहा है वो देखो। कह रहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। मैंने जितने भी ये पहला क्वेश्चन हम लिखे हैं आपको, वैसे पांच क्वेश्चन है इसमें, तो पांचों क्वेश्चन में ये पहले कंडीशन दिया है कि इनका आप क्या करिए, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फॉर्म करिए, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। तो पहले बनाना है इस वर्ड्स प्रॉब्लम को, हमको कन्वर्ट करना है मैथमेटिकल इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, और उसका सॉल्यूशन को ज्ञात कीजिए। कब? ब्रैकेट में लिखा है इफ दे एग्जिस्ट। तो अब सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, इसको बिना सॉल्व किए हुए हम पता करने जानते हैं। इक्वेशन अगर बन जाता है तो इक्वेशन में a1 by a2 b1 by b2 और c1 by c2, है ना, उसको देख लेते हैं कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं। तो सॉल्यूशन अगर एग्जिस्ट करेगा तब हमको निकालना है, यानी कि सबसे पहले इक्वेशन बनने के बाद हमको ये चेक करना होगा कि सबसे पहले सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले मैथमेटिकल इक्वेशन तो बनाते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, ठीक है ना। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, सी हैज़ अ पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज अ स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, मतलब कि हॉस्टल का फिक्स चार्ज निकालिए और पर डे का जो खाना खा रहा है वो निकालिए। तो अब यहाँ पे समझना है, क्वेश्चन को हम समझा रहे हैं, अभी अंग्रेजी पढ़े हैं, इसको हिंदी में समझिए। अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड, अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज अ फिक्स, एक हॉस्टल का जो मंथली चार्ज का एक फिक्स रेट है, मतलब हर महीना वो फिक्स चार्ज लगेगा ही लगेगा आप हॉस्टल में रह रहे हैं। तो अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस, है ना। यानी कहानी कुछ ऐसा है कि हॉस्टल में एक फिक्स चार्ज है, वो आपको देना है हॉस्टल का, उसके बाद आपको पर डे के हिसाब से पैसा लगेगा हॉस्टल में खाना खाने का, ठीक है। यानी कि हॉस्टल का एक अलग चार्ज है, उसके बाद एक एक दिन का वो पैसा लेगा, ये समझना है। अब आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, एक ए स्टूडेंट है जो 20 दिन के लिए खाना लेता है, सी हैज़ टू पे ₹1000, वो पे करती है ₹1000 एज हॉस्टल चार्ज, ठीक है। हॉस्टल चार्ज में वो 20 दिन के लिए खाना लेती है, जिसके लिए वो पे करती है ₹1000। फिर आगे लिखा वेयर एज अ स्टूडेंट बी, एक दूसरा स्टूडेंट जो बी है हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज, जो 26 दिन के लिए खाना लेता है, कितना दिन के लिए, 26 दिन के लिए, हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज पे ₹1180 एज अ हॉस्टल चार्जेज, और वो ₹1180 पैड करता है हॉस्टल चार्ज के रूप में। फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, तो मान लेते हैं हमको दोनों निकालना है। तो लेट हॉस्टल फिक्स्ड चार्ज ऑफ हॉस्टल, या फिर हॉस्टल फिक्स्ड चार्ज बी ₹X एंड चार, फिर आगे क्या लिखा है आपका, कॉस्ट ऑफ द फूड पर डे, तो लिखो कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, पर डे का जो खाना का चार्ज है उसका मान लेते हैं वाई, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे बी रुपीस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, पहला सर कि एक स्टूडेंट ए जो है, फॉर स्टूडेंट ए, फॉर
स्टूडेंट ए के लिए क्या है कि वो 20 दिन के लिए खाना लेती है और 1000 पे करती है, तो एक फिक्स चार्ज तो लगेगा ही और एक 20 दिन का खाना का लगेगा 20 × y, क्योंकि एक दिन का खाना का लग रहा है ₹y, एक दिन का खाना का ₹y, तो दो दिन का ₹2, तीन दिन का ₹3, सोचो y का वैल्यू ₹5 है, तो मैंने एक दिन खाओगे तो ₹5 लेंगे, तो दो दिन खाओगे तो ₹10, तीन दिन खाओगे तो ₹15, मतलब y रुपया है एक दिन के खाना का, और टोटल वो 20 दिन खाई है, तो 20 × y, और टोटल वो चार्ज की है हॉस्टल का कितना, 1000 वो दी है, तो एक फिक्स चार्ज आप 20 दिन का खाना का दोनों मिला के वो 1000 रुपया चार्ज दी, 20 दिन का, तो ये तो पहला कंडीशन हुआ। फिर सेकेंड कंडीशन फोर, स्टूडेंट बी के लिए वो 26 दिन का खाना लेता है, स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड 26 डेज, तो 26 दिन का खाना लेता है तो ₹1 तो लगेगा ही, वो तो फिक्स है, और 26 दिन का 26 × y, और टोटल पैड किया है 1180 हो गया ये। अब ये हो गया इक्वेशन वन और ये हो गया इक्वेशन टू। सबसे पहले ये पता लगाओ कि ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा कि नहीं करेगा, सबसे पहले, क्योंकि इन्होंने बोला है कि लीनियर इक्वेशन बनाने के बाद अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तभी निकालो, तो सॉल्यूशन को एग्जिस्टेंस को पता करने के लिए कैसे करते हैं, a1 / a2 और b1 / b2 और c1 / c2 को निकालते हैं। तो a1 / a2 अगर एक सॉल्यूशन मिलता है तो a1 / a2 और b1 / b2 बराबर नहीं होना चाहिए, तो अब देखते हैं, चेक a1 / a2 एंड b1 / b2, तो a1 / a2 क्या होगा, ये 1 / 1, क्योंकि यही इक्वेशन है मेरा, यही इक्वेशन है 1 2, तो 1 / 1। b1 / b2 क्या है, ये 20 / 26, तो क्या कभी ये बराबर होगा, नहीं बराबर होगा, क्योंकि ये 26 26 होता तब ना कट के एक होता या 20 20, तो ये बराबर नहीं है, मतलब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो अगला कहानी लिखेंगे, हियर a1 / a2 इज नॉट इक्वल टू b1 / b2, दिस इम्प्लाई यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो आपको कह रहा है कि एनी अलजेब्रिक मेथड से आप इसे सॉल्व करके निकाल दीजिए, कोई भी अलजेब्रिक मेथड से, तो हम तो यहाँ पे सबसे बढ़िया देख रहे हैं एलिमिनेशन मेथड। कहोगे कैसे, तो हम कहेंगे यहाँ x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है, घटाओगे तो x गायब हो जाएगा, तो एलिमिनेशन मेथड लगा दो। तो यहाँ पे लिख दो सॉल्व बाई एलिमिनेशन मेथड, नहीं लिखोगे तो भी दिक्कत नहीं है, एलिमिनेशन मेथड। अब सॉल्व करने के लिए हमको जगह का ज़रूरत है, तो हम ये क्वेश्चन को मिटाएंगे अब, ठीक है ना, आप प्रिंट कर लीजिएगा इसको यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं सॉल्यूशन बाय एलिमिनेशन मेथड। तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 - इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 है x + 20y = 1000 और दूसरा इक्वेशन है x + 26y = 1180, है ना, घटाइए, ख़त्म x, -26 है और +y + 20 है, तो -6y, अगर 1000 घटाइएगा, अगर 1080 में तो 180 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, और y बराबर 6 इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 180 / 6 यानी कि 30, माने एक दिन के खाना का वो जो हॉस्टल है वो ₹30 ले रहा है, क्योंकि y क्या था, पर डे खाना का चार्ज था, और हॉस्टल का एक फिक्स चार्ज अलग है, वो तो लेगा, पर डे खाना का ₹30 लेगा, हॉस्टल का एक फिक्स चार्ज है वो लेगा। तो नाउ इक्वेशन वन क्या है, x + 20y = 1000, तो आप क्या करो, y का वैल्यू रख दो, तो x + 20 × y की जगह पे 30 = 1000, इसका मतलब ये 3 × 6, तो 600 हो गया ये, तो 600 उधर जाके घटेगा 1000 में से, तो 400 होगा, माने हॉस्टल का जो चार्ज है ₹400 था, तो यहाँ लिख देंगे हॉस्टल फिक्स्ड चार्ज b
400 रुपीस एंड पर डे फूड चार्ज, पर डे फूड चार्ज कितना इक्वल टू 30 रुपीस, 30 रुपया लगेगा आपको। ये ही आपका, इसको घेर के आंसर लिख देना है आपको, ठीक है ना, आंसर ठीक है। तो प्रिंट कर लीजिए, अब आगे बढ़ते हैं।